सतत शिक्षा शिक्षण श्रृंखला में आज सिटी डिजिटल एक्सरे एंड फीटल मेडिसिन सेंटर के तत्वाधान में इंडियन रेडियोलॉजिकल के द्वारा फिकॉन 2016 का आयोजन किया गया। फिकॉन 2016 मुख्यतः गर्भस्थ शिशुओं के विकास, विकार, निदान और उपचार के विषय पर केंद्रित रहा। इसमें शिशु के गर्भधारण के प्रथम दिन से भ्रूण का सुरक्षित विकास कैसे हो, इस विषय पर चर्चा की गई। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली से आए डॉक्टर अशोक खुराना ने गर्भावस्था के 11 से 14 सप्ताह और फिर 18 से 20 सप्ताह तक होने वाले भ्रूण और अंगों के विकास एवं विकारों पर व्याख्यान दिया। When it is a second trimester termination versus a first trimester fetal exercise immunization as well, it is much better quality. So centers of excellence, centers which are doing CVS and amnio, the risk, the procedure related risk. Now whether the mother, whatever she does, any pregnancy has a risk of miscarriages, IUD or preterm delivery after 20 weeks, 24 weeks, correct? Right? So whatever is the risk higher, 12 weeks, put up your hand. Risk of cancers, there is a protective effect of the placenta, right? The more and more baby looks normal, the less and less. डॉक्टर शिखा अग्रवाल ने गर्भस्थ शिशु के हृदय के अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में भी जानकारी दी। भी अवश्य करें क्योंकि अब आप 11 से 14 हफ्ते पर 98% तक जान सकते हैं कि बच्चे में कोई विकृति है कि नहीं। तो उस समय गर्भ गिराना माँ के लिए और बहुत अच्छा होता है, सेफ होता है। और बाद में जो अनोमलीज पता लगती हैं उसमें फिर आप बच्चा गिरा नहीं सकते हैं। 18 से 20 हफ्ते वाले स्कैन में भी अगर आपको पता लग जाएगा तो भी आप गिरा सकते हैं बच्चा। तो अगर ठीक होने वाली बीमारियां होंगी तो हम आपको वैसे बता देंगे, तो वो ठीक हो सकती है। हर केस में जरूरी नहीं कि आप बच्चा गिराएं, ठीक है। तो आप लोग अगर 11 से 14 वीक वाला स्कैन कराएं, फिर 18 से 20 वीक वाला स्कैन कराएं और स्क्रीनिंग कराएं, डबल मार्कर और क्वाड्रुपल मार्कर स्क्रीनिंग कराएं, तो हमारे रीजन में भी विकृतियां कम होंगी।